हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है बेसिस, क्लास टेंथ साइंस का टॉपिक है ये। इससे पहले एसिड की एक वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे अवेलेबल, तो जिसने एसिड नहीं पढ़ा है उस वीडियो को देख लेना। आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले तो होगा बेसिस के बारे में, उसकी डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ बेसिस, कितने टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस, फिर हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, देन इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और एक छोटी सी चीज देख लेंगे डाइल्यूशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ चार पांच चीजें हमें देखनी है आज के इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिस की डेफिनेशन बिल्कुल एसिड जैसी है। अरहेनियस ने कहा था एसिड के बारे में कि वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। इसी तरह अरहेनियस ने यह कहा था कि दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस या फर्निश या आयोनाइज OH नेगेटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करें इसको क्या बोलते हैं OH नेगेटिव आयन, और इसको आप हाइड्रोक्साइल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए NaOH, इसको जब वाटर में डिजोल्व करा जाएगा तो ये रिलीज करेगा Na प्लस प्लस में OH नेगेटिव आयन। तो ये जो OH नेगेटिव आयन है, इस OH नेगेटिव आयन की वजह से इसका नेचर जो होगा वो बेसिक नेचर होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसी तरह आप एग्जाम्पल और देखिए, ये KOH है, यहाँ पर जब ये वाटर के अंदर आयोनाइज होगा तो ये भी OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में एक नेगेटिव आयन दे और वो नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन हो तो वो बेस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। अब एक चीज आपको पता होगी कि हम कहते हैं बेसिक हाइड्रोक्साइड, और एक और टर्म हम यूज करते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बेसिक हाइड्रोक्साइड मतलब वो हाइड्रोक्साइड जिनका नेचर बेसिक हो, और जनरली जितने भी मेटलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब कभी बेसिक हाइड्रोक्साइड मतलब मेटलिक हाइड्रोक्साइड को आप एसिड से रिएक्ट कराओ तो वो सॉल्ट और वाटर दे, सिर्फ सॉल्ट और वाटर। आप समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको, छोटी सी बात है। मतलब एक और कंसेप्ट आता है बेस के अंदर ही। एक डेफिनेशन तो अरहेनियस ने समझाई थी जो अभी मैंने तुम्हें बताई, एक डेफिनेशन और होती है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि बेसिस आइदर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विच व्हेन react with acid gives salt and water only, salt and water only, यहां only लिखा है, मतलब सिर्फ salt और water दे अगर कोई metal hydroxide या metal oxide acid से react करने के बाद salt और water produce करे तो वो बेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बेस। ये भी एक डेफिनेशन है, अरहेनियस ने दी थी वो भी एक डेफिनेशन है, दोनों को समझना जरूरी है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर एक मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं Na2O, और एक मेटल, देखो ये मेटल ऑक्साइड क्यों है, सोडियम है मेटल, इसका ऑक्साइड है मतलब मेटल ऑक्साइड है, और एक मेटल हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं AlOH होल थ्री आइस, है ना, ये भी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन में एसिड से करा देता हूं, एक फेमस एसिड है हमारे पास HCl। ठीक है, जब ये HCl इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O, और जब ये इस HCl से रिएक्ट करेगा तो बनेगा AlCl3 प्लस में H2O। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये मेटलिक ऑक्साइड है, इसको आप बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, और ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड है, इसको आप बेसिक
हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए, मैं सबसे ऊपर लिखता हूं उसको, PbO2, ये भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है। ये ओनली समझा रहा हूं आपको, ओनली क्यों लिखा है यहां पर, PbO2 की रिएक्शन करा दी HCl से, यहां बन जाएगा PbCl2 प्लस में H2O। चलो यहां तक तो ठीक था कि HCl से रिएक्ट कराया एसिड से, तुमने एक मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट मिला और साथ में H2O मिला, लेकिन इसके साथ साथ Cl2 भी निकलेगी। इस वजह से, सिर्फ ये Cl2 के निकलने की वजह से इस डेफिनेशन पे PbO2 फिट नहीं हो रहा। लेड ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड जरूर है, ये मेटेलिक ऑक्साइड तो है नो डाउट, लेकिन ये बेस नहीं है, ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है। तो समझ गए होंगे आप लोग डेफिनेशन बेस की क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस की। तो जनरली हम बेस को दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। अगर मैं बेस को स्ट्रेंथ के बेस पर, स्ट्रेंथ के ऊपर मैं क्लासिफाई करता हूं बेसिस को, तो स्ट्रांग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। जिस तरह से हमने एसिड को क्लासिफाई किया था उसमें वो स्ट्रांग एसिड थे और वीक एसिड थे, तो वही के वही यहां पर कंसेप्ट आएगा। जो बेस वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल मैंने वाटर के अंदर मिलाए हैं बेस के, किसी भी बेस के, और 100 के 100 मॉलिक्यूल पूरे के पूरे 100% क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, 99.9% आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रांग बेस। और जो बेसिस बिल्कुल भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो, पार्शियली आयोनाइज हो, उनको हम कहेंगे वीक बेसिस। एग्जाम्पल देख लो, यहां पर NaOH है, इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, यहां पर वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो Na प्लस प्लस में OH नेगेटिव, यहां पर 100 Na प्लस निकलेंगे और यहां 100 OH नेगेटिव निकलेंगे, मतलब ये क्या हुआ, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, 100% आयोनाइज हो गया, है ना। हो सकता है भाई कोई ऐसा बेस हो जिसमें 99 निकल जाए, मतलब देखो ये जो मैं ले रहा हूँ 100 मॉलिक्यूल्स, तो ये तो एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ज्यादा दिल पे मत लेना, सिर्फ समझने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रांग बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं आप NH4OH का, हमने इसके लिए 100 मॉलिक्यूल्स, जब इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहां पर NH4 प्लस और ये OH नेगेटिव में टूटेगा बिल्कुल, तो ये बेस तो है, लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर सिर्फ 5 से 10 मॉलिक्यूल, 10 आयन से टूटे, इसके भी 5 से 10 आयन से टूटेंगे, बाकी NH4OH 90% डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, वीक बेस। क्या होगा ये, वीक बेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो बेसिस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वाटर में, दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोसिएट या आयोनाइज्ड इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रांग बेसिस। एग्जांपल है NaOH, KOH, और जो बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो, दोज बेसिस विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड और विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस। एग्जांपल है NH4OH, और आप ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बताया था दो तरीके से क्लासिफाई हमने करा है, पहला था स्ट्रेंथ के बेस पे, अगला है एसिडिटी के बेस पे, इसको भी कर लेते हैं अभी हल एसिडिटी के बेस पे। ओके, तो एसिडिटी के बेस पर अगर करना है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो सबसे पहले एसिडिटी होती क्या है, हमने एसिड वाले लेक्चर में बेसिसिटी के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम एसिडिटी को भी डिफाइन करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, एसिडिटी इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज
known as its acidity. क्या है इसका मतलब? एक एग्जांपल से पहले तो समझा देता हूं. देखो मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है उसको उसकी एसिडिटी कहेंगे. ठीक है ना. इस बेस पर हम बेसिस को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं और उन तीनों को भी आप एग्जांपल से समझिए. देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं KOH को ऐसे नहीं तो हम ये हमने KOH लिया. ये पहला एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड. ओके इन तीनों को हमने क्या करना है? वाटर में आयोनाइज कराना है. ठीक है. अब क्या होने वाला है? तीनों आयन्स रिलीज करेंगे. ये K प्लस करेगा, ये Ca प्लस करेगा और ये Fe3+ करेगा. ये Fe3+. ठीक है. ये भी हो गया. साथ में OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे. ये हमने क्या करा है? इन तीनों के एक एक मॉलिक्यूल लिए हैं. ओनली वन मॉलिक्यूल. इसका भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है. अब ये यहां पर एक OH नेगेटिव छोड़ देगा. इसका एक मॉलिक्यूल यहां पर दो OH नेगेटिव रिलीज कर देगा. इसका एक मॉलिक्यूल यहां पर तीन OH नेगेटिव रिलीज कर देगा. ठीक है. तो यहां पर एसिडिटी हो जाएगी वन. तो इस बेस का नाम होगा मोनो एसिडिक बेस. इस बेस का नाम क्या होगा? KOH का मोनो एसिडिक बेस. क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ एक OH नेगेटिव छोड़ा है. इसका नाम क्या होगा इसी तरह से? डाई एसिडिक बेस, क्योंकि इनने दो OH नेगेटिव छोड़े हैं. और इसी तरीके से इसकी एसिडिटी क्या होगी? तीन. तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई एसिडिक बेस. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हम बेसिस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस. ठीक है. तो ये पार्ट भी हो गया आपका टाइप्स ऑफ बेसिस का. एक चीज आपको और यहां पर समझा देते हैं प्रिपरेशन पे जाने से पहले. एक टर्म आती है जिसका नाम है अल्कली. अल्कली कह देते हैं या फिर इसको अल्कलीज भी कहते हैं ना, प्रूलर फॉर्म बोल दो. तो अल्कली कुछ नहीं होता है. अल्कलीज आर बेसिस ओनली, बट वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हो. फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH. अब इसमें देखो, ये तो बिल्कुल स्ट्रांग अल्कली है, मतलब ये बिल्कुल वाटर में फुल्ली सॉल्यूबल है, लेकिन ये थोड़े पार्शियली सॉल्यूबल होंगे. इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट जितने भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं. बट वो बेसिक तो हैं, पर वाटर में सॉल्यूबल नहीं है. सिर्फ कुछ ही 2-4-5 हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो हम उसको अल्कली कहते हैं. ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल हों, उनको हम क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे. ठीक है ना. तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक बोलता है वो कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे बेसिस तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है. फॉर एग्जांपल FeOH होल थ्री आइस, ये क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड. ये बेस है पर ये अल्कली नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है. सिंपल सी बात है. तो आई होप आप ये बात भी समझ गए होंगे. ओके अब बात करते हैं प्रिपरेशन की. तो जनरली जो प्रिपरेशन है बेसिस की, वो कुछ 4-5-6 मेथड्स हैं. हम एक एक करके सारे मेथड्स को देख लेते हैं यहां पर. ठीक है. सबसे पहली जो मेथड है प्रिपरेशन में, यहां लिख देते हैं भाई प्रिपरेशन में सबसे पहले बेसिस बनता है फ्रॉम मेटल्स. मेटल से बेस को कैसे बनाया जाता है? देखो कुछ नहीं करना है आपको, एक्टिव मेटल्स लेना है, जैसे सोडियम ले लिया या फिर आपने पोटेशियम ले लिया. इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है किससे? ऑक्सीजन के साथ.
जैसे ये ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। और अभी अभी पढ़ा है, आज ही इसी लेक्चर में अपनों ने पढ़ा है ना, कि जितने मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होंगे, जनरली बेस ही कहलाएंगे, ज्यादातर तो बेस होते हैं। हाँ, बेस कब नहीं होंगे तो वो डेफिनेशन में मैंने बताया है, कब नहीं होंगे, जब वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ और प्रोड्यूस करें, जैसे लेड ऑक्साइड बताया था। लेकिन ये दोनों जो बनाएंगे Na2O और K2O, ये दोनों मेटेलिक ऑक्साइड है और इन दोनों का नेचर बेसिक है, क्योंकि ये दोनों जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ओनली सॉल्ट एंड वाटर। तो एक तो मेथड ये हो गई कि आप एक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दो और मेटेलिक ऑक्साइड बन गया, तो ये भी क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, ये बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। तो इसको आप बेस कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं भाई। इसके बाद एक रिएक्शन होती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ वाटर टू एक्टिव मेटल्स। जिस तरह ये एक्टिव मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कर रही थी, इसी तरह एक्टिव मेटल की रिएक्शन आप किससे करा दो, वाटर के साथ। तो जैसे ही आप ये कराओगे तो आपको यहां पर हाइड्रोक्साइड मिलेंगे और साथ में H2 गैस भी निकलेगी। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ले लिया, H2O के साथ रिएक्शन कराई, साथ में CaOH twice, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बाहर निकली। तो अभी पढ़ा था जो बेसिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक हाइड्रोक्साइड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं इस रिएक्शन से, तो ये भी क्या है, बेस है। तो इस तरीके से भी प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, ये हो गए आपके दो मेथड। अगर लिखना है तो लिख लो भाई, जल्दी मिटा देते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे पॉज वगैरह भी करके लिख सकते हो नोट्स वगैरह बना रहे हो तो। और अच्छी बात है, बना लिया करो भाई, अच्छा है, अगर कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है वो। अगली मेथड आती है, तीसरी मेथड, इसमें फ्रॉम द एक्शन ऑफ वाटर H2O टू, एक्शन ऑफ वाटर हम किसकी देंगे, सॉल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड। सॉल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड, हमें सॉल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड लेना है और उसकी रिएक्शन वाटर से करानी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस मिलेगा। सॉल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड कौन होते हैं, Na2O है, K2O है। इसकी रिएक्शन पानी से करा दो तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको सिंपल सिंपल क्या मिलेगा, ये क्या था, Na2O था, तो NaOH मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा KOH। इस केस में कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होने वाली, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, वो जो आप सीधे सीधे मेटल की रिएक्शन करा रहे थे वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इधर नहीं होने वाली, यहां पर सीधे NaOH KOH मिलेगा। तो यहां पर भी आपका बेस बन गया, लेकिन शर्त क्या है, सॉल्यूबल होना चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है ना, ओके। इसके बाद जो मेथड आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेथड का कमाल ये है कि उस मेथड में आप बेस से बेस बना रहे हो, मतलब आप अल्कली का यूज कर रहे हो और उससे आपको बेस मिल रहा है उस मेथड का, और उस मेथड को आप प्रॉपर्टीज में भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, उस मेथड का नाम है बाय डबल डीकंपोजिशन। अब ये डबल डीकंपोजिशन आपको कैसे करना है, आपको कोई मेटेलिक सॉल्ट लेना है सबसे पहले, उस मेटेलिक सॉल्ट की रिएक्शन आपको करानी है किसी अल्कली से। ठीक है ना, वीक अल्कली या स्ट्रॉन्ग अल्कली चलेगा, बेस चलेगा, बेस से करानी है ले देके, तो आपको एक पीपीटी मिल जाएगा, डीकम्पोजिशन होगा, डबल डीकम्पोजिशन होगा ले देके। एग्जांपल देखो कितना सिंपल, एक मेटेलिक सॉल्ट का नाम आप खुद सोच लो, जैसे ये वाला ले लेते हैं FeSO4 ले लेते हैं, है ना, FeSO4 ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, सिंपल सा बेस है, NaOH से करा देता हूं। ठीक है, अब यहां क्या होगा, डबल डीकम्पोजिशन होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा किसको, इसको, तो ये किससे कंबाइन होगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, Na और SO4 जब मिलेंगे तो Na2SO4 मतलब एक सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, और जब Fe और OH मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक FeOH एक बेस बनेगा, और ये एक्चुअल में क्या रहेगा, पीपीटी के फॉर्म में बनेगा। तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से भी आप बेस बना सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट में हम क्या लें भाई, मेटेलिक सॉल्ट में दूसरा कोई नाम बता दो, कोई भी, बहुत सारे हैं यार,
नाम एकदम याद भी नहीं आते। कैल्शियम क्लोराइड ले लो, साथ में NaOH ले लो, है ना। अगेन डबल डिकम्पोजिशन करो तो ये इधर जाएंगे वहां साहब, और ये इधर आएंगे, तो Na और Cl, NaCl सॉल्ट बन गया, साथ में Ca और OH, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का PPT बन जाएगा। सिंपल है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ये क्या बन जाएगा आपका PPT, बेस बन जाएगा। तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आप बेस बना लोगे। एक मेथड ये भी हो गई, वेरी गुड। चलिए इसके बाद वाली मेथड का नाम है बाय द एक्शन, ये पांचवी मेथड होगी, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। तो देखो रिएक्शन बहुत सारी है, लेकिन सब सिंपल मेथड है, मतलब एक दो बार अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, तो हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन की करा रहे हैं, और किससे, मेटेलिक सल्फाइड से। तो मैं ले लेता हूँ ZnS, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब मैं इससे कराने वाला हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आप खुद देखो, एक तो SO2 गैस निकलेगी और साथ में जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा मुझे। ये जिंक ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, क्या होता है मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड होता है, सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया आपका, पांचवा मेथड। और भी मेटेलिक सल्फाइड आप ले सकते हो, फेरस सल्फाइड ले सकते हो, उससे आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, या फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, तो वो भी बेस कहलाएगा। इसके बाद जो तीसरी मेथड, सॉरी तीसरी नहीं, सिक्स्थ मेथड, अब हम सिक्स्थ मेथड पे आ गए, वो उसका नाम है डीकम्पोजिशन, बाय डीकम्पो पोजिशन मेथड। ओके, तो हमें डीकम्पोजिशन करना है किसी सॉल्ट का। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है CaCO3, इसका आपने डीकम्पोजिशन करा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर CaO प्लस में CO2। तो ये CaO क्या बन चुका है आपके भाई, क्या है, कुछ भी नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्या, मेटेलिक ऑक्साइड, बेस है, ठीक है, ये क्या है, बेस है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, CaNO3, है ना। इसका जब तुम डिकम्पोजिशन करोगे तो अगेन CaO मिलेगा, लेकिन साथ में यहाँ पर NO2 गैस भी निकलेगी, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो ले दे के ये रिएक्शंस भी होती हैं जिसको आप डिकम्पोजिशन अगर कर लोगे, हीट के साथ डिकम्पोज करोगे तो आपको बेस मिल जाएंगे, वेरी गुड। इसके बाद वाली जो मेथड है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने की मेथड, अमोनिया गैस से। तो इसको लिख सकते हो बाय अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस को कुछ नहीं करना, अमोनिया गैस जो होती है पानी में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होती है, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल होती है, उसको आप पानी में जैसे मिलाओगे तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। जैसे आपने NH3 गैस लिया, इसको आपने H2 में डिजोल्व किया तो आपको यहां पर NH4 OH मिल गया, बेस, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर ये रिएक्शन जो है सेवन्थ नंबर वाली है, 6-7 हो गई प्रिपरेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से हम बेसिस को बनाते हैं, ठीक है। ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इतनी लंबी नहीं चलेगी, छुटपुटर प्रॉपर्टीज हैं। और एक प्रॉपर्टी तो अभी आपने सी के लिए जो मैंने प्रिपरेशन में बताई थी वो डबल डिकम्पोजिशन वाली, क्योंकि उसमें बेस का भी यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, इसको भी मिटा देते हैं भाई, ये लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिस की, मैं यहां लिख देता हूं एक एक करके। देखो इसका टेस्ट होता है क्या, बीटर, बहुत ही कड़वा होता है ना। अब अगर वहां एग्जाम में पूछ ले तो सिर्फ बीटर मत लिखना, साफ साफ लिखना भाई, जनरली जनरली भी मत लिखना, दे आर बीटर इन टेस्ट, है ना। माइल्ड करोसिव होते हैं स्किन पे, नेचर इसका क्या होता है, करोसिव होता है ना। ऐसा नहीं कि आप स्किन पे बेस लगा रहे हो, खराब हो जाएगा, ज्यादा साबुन भी लगाने से क्या होता है, स्किन रूखी पड़ जाती है, तो वो तो बहुत डाइल्यूट बेस होता है, अगर स्ट्रांग बेस लगा लोगे तो और जल्दी जलन होने लगेगी, जल जाएगी स्किन आपकी।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी भी इनसे जनरेट कर सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है, इनका अगर सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो चीज आपके बेसिस। और फोर्थ में आप क्या ले सकते हैं भाई, ये ले सकते हो कि जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन को चेंज कर देते हैं कलर, लिटमस सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, चेंज्ड हो जाता है इसका मतलब क्या है, इसका जैसे जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, रेड कलर का अगर बेस उसमें मिलाया जाए तो वो चेंज हो जाता है। ये इंडिकेटर्स में हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है ना, ये वाली चीज थोड़ी डिटेल में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई बेसिस की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सोपी होते हैं इन टच, स्लिपरी होते हैं, सोपी टच होता है इसका। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखो तो सोप में मैंने बताया जैसे बेसिस होते हैं, तो सोप के अंदर बेस मिलाया जाता है तो उसमें क्या है झाग वगैरह बन जाते हैं, है ना, तो सोपी टच होता है जनरली बेसिस का, ठीक है। तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये तो आप पढ़ के भी सीख लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अभी इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आई होप आप सबको पता होगी, ठीक है। एसिड और बेस को आप जब रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, अभी हाल हमने उन्हें कितनी बार ये रिएक्शन करी है, तो वापस से करा देते हैं NaOH की रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ, ये बेस है ये एसिड है, यहाँ पर क्या देगा ये Na2SO4 साथ में H2O। तो जब कभी कोई बेस किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसमें वाटर और सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद क्या होने वाला, अगर कोई बेस जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे जिंक की आपने रिएक्शन करा दी, पहले मैं लिख देता हूं, रिएक्शन विथ मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल अगर जब भी होगी तो यहां पर जो प्रोडक्शन होने वाला है वो किस चीज का होगा, सॉल्ट और H2 गैस का। हम एग्जांपल लिखते हैं Zn प्लस में NaOH, ये रिएक्शन तो NCERT में भी दी हुई है और ये रिएक्शन मैं बोल रहा हूं आप सबको याद रखनी है ना। तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Na2 ZnO2 प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। बेसिस के साथ भी यही हो रहा था, सॉरी एसिड के साथ भी यही हो रहा था, जब आप उसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ करा रहे थे तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और H2 गैस। इसका नाम जो है वो है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। एक और रिएक्शन है NCERT में एल्यूमिनियम के साथ कराई है NaOH की, और दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपका, सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट H2 गैस इसमें भी निकलेगी, इसको आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी और है, थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कह दो या तो, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो अगर किसी बेस की रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दोनों एक ही बात होती है, उससे अगर हम कराएंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलना है। जैसे कि हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं वापस से NaOH का,
और इसकी रिएक्शन एक मेटेलिक ऑक्साइड से करा दूं, मतलब CO2 से करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है, एक सॉल्ट मिलेगा, Na है यहां पर और यहां CO है, CO2 है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, साथ में पानी रिलीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये बेस था और ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है या तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक कार्बन उसका ऑक्साइड मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कुछ एक आध दो दो को छोड़ के, है ना, कुछ को आप छोड़ दो तो बाकी तो सब एसिडिक ऑक्साइड ही होते हैं जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो इसका जो नेचर है वो एसिड का नेचर है। अब जब बेस से रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है सॉल्ट और साथ में वाटर तो रिलीज करेगा, मतलब ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। बट क्या होता है, कई लोग भूल जाते हैं कि CO2 बेस है, एसिड है, क्या है, तो ये याद रखना है कि ये एक एसिड है और जब ये बेस से रिएक्ट करता है तो यहां पर सॉल्ट और वाटर रिलीज ही होंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अगर अब बात करें डाइल्यूशन की, आखिरी टॉपिक है, तो डाइल्यूशन कुछ नहीं होता यार, जब आप एसिड और वाटर को मिलाते हो या बेस और वाटर को मिला रहे हो तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, मतलब मिक्सिंग, मैं लिखता हूं मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और ये करता क्या है, इट रिजल्ट्स, इससे होता क्या है, इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन इन केस ऑफ एसिड्स एंड ओ एच नेगेटिव आयन इन केस ऑफ बेसिस। ये किसकी डेफिनेशन है, डाइल्यूशन की। तो इससे जो एसिडिक नेचर है वो एसिडिटी जो है, मतलब जो एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डाइल्यूशन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा मिला चुके हैं आप, या तो फिर जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अगर पानी मिलाओगे किसी बेस में तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना, इसको आप डाइल्यूशन कहते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि बहुत जनरल सा सवाल है, बचपन में भी शायद आपने सुना होगा कि भाई जब भी आप एसिड और वाटर को मिलाते हैं तो आप हमेशा 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 आप क्या करते हैं, पानी में एसिड को मिलाते हैं या एसिड में पानी को मिलाते हैं, इन दोनों में से आप क्या करते हैं, मेरा सवाल ये है आपसे, और आई होप आपको पता भी होगा, है ना, और ऐसा क्यों करा जाता है, अगर करा भी जाता है, मतलब अगर मुझे दो बीकर दे दिए एसिड और पानी के, यहाँ पर एक बीकर है, ये वाटर है इसके अंदर और यहाँ एसिड है, अब मुझे इन दोनों को मिलाना है तो मैं कैसे मिलाऊंगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका उल्टा क्यों नहीं कर सकता। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मैंने आईआईटी का क्वेश्चन नहीं पूछ लिया तुम लोगों से, तो आई होप आपको कोई डाउट हो इसमें तो मुझसे जरूर पूछिए आप कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए बाकी कल देखते हैं यार, थैंक यू।